तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए फिर से बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। ये मेरी सेकंड वीडियो है और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गिव अवे की अनाउंसमेंट हो चुकी है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पर फॉलो और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो और मैं वहाँ पर सबका रिप्लाई कर देता हूँ। और अब बात करते हैं अपनी न्यूज़ की। तो गाइस जो हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वो है हीरोज़ ईस्पोर्ट्स को लेके। तो जो हीरोज़ ईस्पोर्ट्स हैं उन्होंने अपने दो प्लेयर अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें से जो एक है वो है सिनर्जी के जिक्शो एंड जो सेकंड है वो है इवोक। आप लोगों को उनकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो स्क्रीन पर दिख रही होगी। एंड जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है एक्सो ईस्पोर्ट्स को लेके। तो आप लोगों को पता है जो एक्सो ईस्पोर्ट्स हैं उन्होंने अपने लाइनअप के बारे में पहले बताया था, उसमें से हमारे को आज एक प्लेयर की जो अनाउंसमेंट है वो देखने को मिली और हमारे को ये देखने से ही प्रदान लग रहे हैं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है BGMI के हिंट्स को लेके। तो सबसे पहले जो मॉर्टल है उनका ट्वीट हमारे को देखने को मिला, जिसमें उन्होंने लिखा है एंड द वीक बिगेंस। तो मॉर्टल भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आप लोगों को दिख गया होगा। मैक्सटन के ट्वीट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था अपने पहले वाली वीडियो में। इसके बाद जो ओशन शर्मा है उन्होंने भी ट्वीट करा, उसमें उन्होंने लिखा ये वाला हफ्ता तो बहुत ही हैवी होने वाला है। तो आप लोगों को ये सब दिख गया होगा और आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आती है वो है काश प्लेस को लेके। तो आप लोगों को पता होगा जो स्काउट हैं वो उनके साथ लाइव स्ट्रीम करते हैं, इससे जो लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गलत बोलते हैं चैट में। मैंने भी खुद चैट में पढ़ा है कि लोग जो हैं वो गलत ही सोचते हैं और गलत लिखते हैं चैट में। इस पर जो काश प्लेस हैं उन्होंने रिएक्ट करा, उन्होंने इसमें क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। कैसे 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 ऐसा लगता स्काउट कह रहे हैं हाँ तो वो है प्रो तो क्या करूँ यार। एनीवेज जो सब भी पूछ रहे हैं कि क्या कैसे सी स्काउट इज अ वेरी रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, रियली लुक अप टू हिम, दैट्स हाउ आई नो हिम। एंड ऐसा कुछ नहीं है जैसा लाइक मतलब ये सब जो भी सवाल पूछ रहे हो क्या वी आर आई जस्ट रियली लुक अप टू हिम एंड ही इज अ रियली गुड गेमर, ही इज अ रियली गुड स्ट्रीमर, रियली गुड एंटरटेनर, एवरीथिंग। सो आई जस्ट रियली लुक अप टू हिम, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। So that's what it is, and it's nothing other than that, you guys. I've been getting these questions too much, so I thought I'll just make it clear to you guys that he's just a good colleague, and he's really helping me out, and I'm really grateful for that. But that's about it. I mean, I see him as an idol. एंड गाइज जो स्काउट है उन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया था और मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दिखा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। जियो फाइवर इन वापी होपफुली प्रोवाइड कर दे उन लोग शायद हमारा ट्वीट देख के। हाँ तो मैं बोल रहा था गाइज कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, मैं किसी भी फीमेल स्ट्रीमर के साथ खेलता हूँ तो आप मेरा नाम उनके साथ ना जोड़े, दैट एक्चुअली मेक्स इट रियली वियर्ड। प्लस दोनों को अच्छा नहीं लगता है बिकॉज देर इज नॉट सच थिंग बिटवीन एनी वन ऑफ अस। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ 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 स्पैम मत करो क्योंकि खुद को अच्छा नहीं लगता यार, कम ऑन यार। तो गाइज़ आपने इस दोनों क्लिप्स देख ली होंगी और इससे आप लोग भी समझ गए होंगे कि जो भी लोग ऐसा कुछ लिखते हैं चैट में उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है अल्ट्रॉन को लेके। तो जो अल्ट्रॉन है जब वो लाइव थे तो उनसे पूछ रहे थे लोग कि GXR का जो लाइनअप है वो BGMI आने के बाद चेंज होगा या नहीं, तो इस पर उन्होंने क्या कहा वो भी आप लोग देख सकते हैं। नीचे के वालों प्लेयर है, अरे बढ़िया खेले भाई, कोई ना EMEA नहीं हो पाया, कोई ना ब्रो, कोई ना लाइनअप सेम ही रहेगी या BGMI चेंज होगी ब्रो? सेम ही रहेगी भाई, अपनी तरफ से तो सेम ही है, हम तो फैन हो गए आपके। अरे थैंक यू ब्रो। तो गाइज इसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़े गिव अवे के बारे में बताने वाला हूँ जो कि करवा रहे हैं मॉडलिंग कॉप्स के जो ओनर हैं वो, और इसमें वो iPhone 12 Pro Max और 100 BGMI Royal Pass का गिव अवे करने वाले हैं। बहुत ही महंगा गिव अवे ये होने वाला है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस फॉर्म को फिल करना है। उसमें आप लोगों को अपनी PUBG की ID और स्क्रीनशॉट, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके और इंस्टाग्राम को फॉलो करके बस ये अपलोड करना है। बहुत ही ईजी इसका तरीका है फॉर्म को फिल करने का, तो जल्दी से जल्दी जाकर आप लोग ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आती है दलजीत को लेके। तो जो दलजीत हैं उनसे लोग BGMI के बारे में पूछ रहे थे, तो इस पे उन्होंने बताया है कि उनको जो BGMI है वो मिल चुका है, तो वो क्लिप भी आप लोग पहले देख सकते हैं। आ गया BGMI, हाँ मेरे पास तो आ गया, मेरे फ़ोन में पड़ा है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास आ गया BGMI। तो गाइज़ आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है कैरी मिनाटी को लेके। तो जो कैरी मिनाटी है उनसे लोग पूछ रहे थे कि BGMI आने वाला है, इस पे आपका क्या कहना है, तो उस पे उन्होंने क्या कहा वो आप लोग देख सकते हैं।
भाई पबजी वापस आ रहा है, कैसा फीलिंग आ रही है, डोंट इग्नोर। कुछ नहीं यार, बस ऐसे लग रहा है जैसे पैसे आने वाले हैं वापस। 50 बार लाइव आ जाएंगे दिन में, चाट जाएंगे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जिंदगी भर का पैसा ना हो जाए, तब तक नहीं रुकेंगे, गांड तब तक गांड फाड़ देंगे, देखना जैसी आएगी जैसी आएगी। मेरा वादा है, मेरा वादा है, समझ रहे हो, पैसा ही पैसा होगा बहन। जो लैम्बोर्गिनी लेंगे 50 और उनका बना देंगे हेलीकॉप्टर, समझ रहे हो। तो गाइज आप लोगों को कैरी मिनाटी का रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है कुल द ग्रेट को लेके, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे Q&A करा था जिसमें किसी ने पूछा था कि जो विली हैं वो विलेजर स्पोर्ट्स की जो स्क्रिम्स हैं वो खेलते हुए कब दिखाई देंगे, तो उन्होंने बोला था क्या कह रहे हो जल्दी ही, और उन्होंने विली को टैग किया था, तो शायद से हमारे को जो विली हैं वो बहुत ही जल्दी विलेजर स्पोर्ट्स की स्क्रिम्स खेलते हुए दिखाई देंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है नियो को लेके, तो जब जो मजिक हैं वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो इस पर जो नियो हैं वो बोलते कि जो जटमैन है 8-bit में वो मेरे को रहेगा लग रहा है, और जो मजिक हैं वो बोलते हैं कि नहीं ये शायद अक्षु है, वो क्लिप भी आप लोग देख सकते हैं। अरे ये जटमैन मेरे को लगता है रेगल्टोस है, नहीं या तो अक्षु है, मेरे को अक्षु लग रहा है, अक्षु स्ट्रीम स्टार्ट कर। तो गाइज़ आप लोगों को क्या लगता है जो जेटमैन है वो कौन है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। जो नेक्स्ट अपडेट है वो निकल कर आती है दलजीत को लेके, तो जब दलजीत हैं वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो उसमें उनकी जो व्हाट्सएप की चैट है वो खुल जाती है, और उसकी वजह से उन्होंने जो उनकी स्ट्रीम है उसको प्राइवेट कर दिया है। मैं आप लोगों को वो स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस स्क्रीनशॉट को भी ज़्यादा वायरल ना करें, क्योंकि उनसे गलती से उनकी पर्सनल चीज़ खुल गई थी और पर्सनल चीज़ को हमारे को ऐसे शेयर नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की स्ट्रीम में मैं देख रहा था, सब जाकर यही लिख रहे थे कि जो दलजीत है उनकी जो चैट है वो लीक हो गई थी, तो गाइज हमारे को ऐसे नहीं करना चाहिए, और जिनके पास भी वो स्क्रीनशॉट है प्लीज़ उसको वायरल ना करें, मैं तो आप लोगों से यही। तो गाइज जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है SATUL को लेके, तो एक पेज आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है ह्यूमंस ऑफ SATUL, और ये जो पेज है वो फेक पेज नहीं है, इसके जो SATUL के जो मेंबर्स हैं वो इस पेज की जो स्टोरी है उसको रीमेंशन करते हैं, और उनसे पूछा गया कि जो अमन है वो लाइनअप में होंगे या नहीं, तो इस पे उन्होंने कहा कि अमन जो है वो लाइनअप में नहीं होंगे। उसके बाद किसी ने वाइपर के बारे में पूछा कि जो वाइपर हैं वो क्या कर रहे हैं, तो उस पे उन्होंने बताया कि जो वाइपर हैं उन्होंने ग्राइंड स्टार्ट कर दिया है। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है MYM को लेके, तो उनके एक प्लेयर हैं जिनका नाम है सेंसी, उनसे पूछा गया कि जो पंक है वो MYM को लीव कर रहे हैं या नहीं, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करते हुए बोला यस ही इज़ लीविंग, एक्चुअली वी ऑल आर लीविंग। तो इससे हमारे को पता लगता है जो MYM है वो बहुत ही जल्दी हमारे को XO Esports को ज्वाइन करते हुए दिखने वाली हैं। आप लोगों का इस पे क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है मेजी को लेके, मेजी जब लाइव थे तो उनसे पूछा गया था सोल के लाइनअप पे, तो उन्होंने इस पे ये बोला कि जो सोल का लाइनअप हम सोच रहे थे शायद वो नहीं होने वाला, तो शायद से हमारे को सोल के लाइनअप में कोई चेंज देखने को मिलने वाला है, वो क्लिप आप लोग देख सकते हैं। मानित भाई कास्ट कर रहा था वैलोरेंट, सोल लाइनअप प्लीज। रेज भाई वेलकम, मेजी बाबा सोल लाइनअप तुम जो समझ रहे थे वो अब तो नहीं होने वाली मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो है स्काउट को लेके, तो जो स्काउट है उन्होंने एग्जैक्ट डेट बता दी BGMI के लॉन्च की, उसकी क्लिप भी आप लोग देख सकते हैं। जितना लीक्स मिले उसके हिसाब से 18th पे कुछ हो जाएगा, कुछ बूम गिरने वाला, कुछ बॉम्ब गिरने वाला, बहुत बड़ा गेमिंग कम्युनिटी के लिए, सो होपफुली वो घिरे बॉम्ब और हम लोग उस बॉम्ब में बूम बाम करेंगे गाइस। सी या, टेक केयर। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो आती है वॉरमेनिया ऑफिशियल्स को लेके, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करी जिसमें उन्होंने बोला आज बहुत हायर चांसेस हैं कि कुछ आएगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से, एंड मेरे को भी यही लगता है कि हमारे को आज कुछ देखने को मिलने वाला है, अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। इसके बाद जो ठग है उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा माइट बी मेकिंग सम रिस्की येट एडवेंचर्स मूव सून, और उनकी तरफ से भी हमारे को एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है, और आप लोगों को क्या लगता है ये अनाउंसमेंट किससे रिलेटेड होने वाली है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस गाइज अभी के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज़ थी, और अब आप लोग बेस्ट पार्ट देख सकते हैं वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जितने भी लोग यहाँ तक आए हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गोल को पूरा कर दो। yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking.